80,000 के आसपास बढ़िया कोडिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो 2024 में, तो स्वागत है हमारे आज की इस क्विक लिस्ट में। पहला लैपटॉप आता है एचपी की तरफ से, एचपी पवेलियन 15, जिसमें आपको इंटेल i7 13 जनरेशन पी सीरीज का प्रोसेसर मिलेगा, 16 GB रैम, 1 TB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले और इंटेल आईरिस XE का ग्राफिक्स कार्ड। दूसरा लैपटॉप है एचपी की तरफ से, अगेन एचपी पवेलियन X360, इंटेल i7 13 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 1 TB SSD, 14 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले, टच स्क्रीन लैपटॉप देखने को मिलेगा और 360 डिग्री रोटेट हो जाता है और 5 MP का आपको कैमरा मिलेगा, जो कि अमूमन तौर पे लैपटॉप्स में हमें देखने को नहीं मिलता, बहुत हाई ग्रेड लैपटॉप्स में ही देखने को मिलता है। तो ये 3 यूनिक पॉइंट्स थे इस दूसरे नंबर लैपटॉप के बारे में। पहला, टच स्क्रीन है, 360 डिग्री स्क्रीन रोटेट हो जाता है और 5 MP का कैमरा है। तीसरा लैपटॉप आता है आपके पास सैमसंग गैलेक्सी बुक 3, इंटेल i7 का 13 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 512 GB SSD, 15.6 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन डिस्प्ले। चौथा लैपटॉप आएगा डेल की तरफ से, डेल इंस्पायरन 5430, इंटेल i7 1360P का हमें प्रोसेसर मिलेगा, 16 GB रैम, 1 TB SSD, 14 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले। पांचवा लैपटॉप है हमारे पास HP की तरफ से, HP पवेलियन 14, इंटेल i7 12 जनरेशन U सीरीज का प्रोसेसर है, 16 GB रैम, 1 TB SSD, 14 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन, इंटेल आईरिस XE का हमें ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप पहले से पांचवें नंबर लैपटॉप की तरफ आओगे, प्राइसिंग धीरे धीरे कम होगा, लेकिन थोड़ा जैसे पहले नंबर वाला लैपटॉप थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, वैसे ही धीरे धीरे आते आते पांचवें नंबर वाला थोड़ा कम होगा बेटर। तो देखिए, सभी में i7 प्रोसेसर है तो परफॉर्मेंस तो सभी में बढ़िया होगा, लेकिन कंपेरेटिवली एक है पी सीरीज का प्रोसेसर और एक हमें मिल रहा है यू सीरीज का प्रोसेसर, तो पी सीरीज वाले में थोड़ा और बेटर परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू यू सीरीज। यू सीरीज में परफॉर्मेंस थोड़ा कम होगा, लेकिन बैटरी बैकअप थोड़ा ज्यादा होगा। बाकी 16 GB का रैम हमें सभी में देखने को मिल रहा है और 1 TB का SSD हमें पहले, दूसरे और चौथे लैपटॉप, पांचवें लैपटॉप में मिल रहा है। तीसरे लैपटॉप में 512 GB का SSD है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो आपको क्या सारी चीजें चाहिए। चौथे लैपटॉप में आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल रहा है, तो अगर डिस्प्ले क्वालिटी बहुत शानदार चाहिए हो तो फोर्थ वाला लैपटॉप आप ले सकते हो। इसी के साथ अगर थोड़ा सा आपको ग्राफिक्स इंटेंसिव टास्क थोड़े बहुत करना है, तो आप इंटेल आईरिस XE ग्राफिक्स के साथ जा सकते हो। फोटो एडिटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वीडियो एडिटिंग के लिए स्टिल वीडियो एडिटिंग वाला सीरीज होगा, उसे आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें आपको एनवीडिया वाले जितने ग्राफिक्स कार्ड है वो सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं। बाकी दूसरा लैपटॉप तो अपने आप में खास है, अगर आपको बहुत ज्यादा एक हाई एंड अजीब तरीके का लैपटॉप चाहिए, मतलब बहुत शानदार लगे, कुछ अलग लगे, 360 डिग्री रोटेट हो जाए, आपको टच स्क्रीन भी देखने में मिल जाए, कैमरा क्वालिटी भी बिल्कुल सबसे अलग हो, तो आप दूसरे लैपटॉप के साथ जा सकते हो। अब इनमें से जिस किसी भी लैपटॉप के फुल डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सभी का अमेजॉन लिंक दिया गया है, ताकि अमेजॉन पर जाकर इनके फुल डिटेल्स आप चेकआउट कर सको।